प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज के हमें दर्शन हो। हम सब चाहते हैं कि उनकी प्रेजेंस हमें मिले। हम सब चाहते हैं वो हमारे अंग संग हों। हम चाहते हैं उनके प्यार की पुचकार फिर से हमारे ऊपर पड़े। और हम सब यही चाहते हैं कि उनकी नज़दीकी, उनका अनुभव हम सब हर पल हर क्षण कर पाए। क्योंकि जब हम उनके अंग संग थे तो खुशियाँ ही खुशियाँ थी, आनंद ही आनंद था, ना दुख था ना दर्द था, उस और हमारा ध्यान जाता नहीं था। उन्होंने अपनी मधुर आवाज़ से हम सबके दिलों में घर किया हुआ था। उनके लफ्ज ऐसे होते थे जैसे कि एक पोएट्री परोई हुई हो। उनके मुख से जो शब्द निकलते थे वो हमारी तकलीफ़ों के ऊपर एक बाम के माफक काम करते थे। और हर पल हर क्षण उनकी ओर से हमें खुशियां ही खुशियां मिलती रहती थी। वो यादगारें जो हम सबके अंदर हैं जिन्होंने उनके दर्शन किए। इसलिए जब हमें दर्शन नहीं होते तो हमें बहुत तकलीफ होती है। सूरदास जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि अखियाँ हरि दर्शन की प्यासी, कि उन दर्शनों, उनके आँखों से जो दर्शन, जो प्रेम की प्रभा हमारी तरफ आती थी, इन लविंग ग्लैंसेस कहा जाता है, जो संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें देते थे, वो जब हमें नहीं मिलती तो प्यास हमारी बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है और बढ़ती चली जाती है। उनमें एक ऐसा आकर्षण था जो हमें उनकी ओर तेजी से खींचता रहता था। हम में से बहुत से भाई बहन हैं जिन्हें उनके प्रेम भरे हाथों के जरिए प्यार मिला, उन्होंने हमें अपने गले लगाया हो, हमारे सिर पर ब्लेसिंग दी हो या हमें पुचकारा हो। वो अनुभव जिन जिन को हुए हैं, हम में से वो भाई बहन जो खुशकिस्मत थे, जो उन टाइम्स में थे जबकि संत दर्शन सिंह जी महाराज फिजिकली यहाँ इस धरती पर थे, वो समय हम कभी भूल नहीं पाते। और जैसे सूरदास जी महाराज यहाँ फरमा रहे हैं कि देखियो चाहत कमल नैनन को, निस्दिन रहे तो दासी, के उनके जो रूहानियत से भरे हुए दो स्पिरिचुअल पूल्स थे, जो उनकी आंखें थी, उनके जब हमें दर्शन नहीं होते तो अंदर में एक उदासी सी छा जाती है। अब जो सन्मत का रास्ता है ये उदासी का रास्ता नहीं। संत दर्शन सिंह जी महाराज इसे पॉजिटिव मैसेजों का रास्ता बता देते हैं। ये ऐसा रास्ता नहीं जिसमें हमने डिप्रेस होना है, ये ऐसा रास्ता नहीं जिसमें उदास होना है, लेकिन ये देखना है कि स्थिति है क्या और उस स्थिति में हम खुशियाँ कैसे पाएं। वो भाई बहन जिन्हें संत दर्शन सिंह जी महाराज ने नाम की देन दी, उनके यहाँ शिव नेत्र पर वो टिके हुए हैं, उनका नूरी स्वरूप वहाँ टिका हुआ है। और जब हम अभ्यास करते हैं तो हम उनके नूरी स्वरूप तक पहुँच सकते हैं। अगर हम वहाँ ना पहुँचें तो हमारी कमजोरी है, ये नहीं कि वो वहाँ है नहीं। तो अगर बाहरी रूप से हमें देख नहीं पाते तो हमें अंदरूनी
दुनिया में कदम उठाने चाहिए। जब संत दर्शन सिंह जी महाराज पैदा हुए तो वो 3 साल के थे कि जब संत कृपाल सिंह जी महाराज, जो रूहानियत के रास्ते के लिए बहुत सर्च कर रहे थे, जब ढूंढ ढूंढ कर उनके कदम उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास लगे, तो छोटी सी उम्र से ही संत दर्शन सिंह जी महाराज का ध्यान अपने पिता और उनके सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की ओर होना शुरू हो गया। कुछ छोटी सी उम्र में वो वहाँ जाना शुरू हो गए। जब 5 साल के थे तो उन्हें लगा कि मुझे भी वो चाहिए जो मेरे पिताजी को मिला, तो हजूर से उन्होंने कहा कि मुझे नाम चाहिए। तो हजूर ने हंसकर उन्हें स्विच पकड़ाई कि ये तुम्हारा इनाम और भेज दिया। तो वापस गए, उन्हें लगा ये तो मुझे नहीं चाहिए, दोबारा गए तो हजूर ने फिर उनको थोड़ी सी स्विच पकड़ा दी। वो खोने के बाद उन्हें लगा कि मुझे कुछ और चाहिए, तीसरी बारी गए और हजूर से कहा कि मुझे वो नाम चाहिए जो आपने मेरे पिताजी को दिया। तो हजूर ने कहा अच्छा बेटा तुम शाम को आना। जब शाम को गए तो हजूर ने अपने पास बिठाया, उनके माथे पर अंगूठा रखा, पूछा तुम्हें क्या दिख रहा है। कहा मुझे रोशनियाँ दिख रही हैं। पूछा और क्या दिख रहा है। मुझे आसमान दिख रहा है। हजूर ने पूछा और क्या दिख रहा है। कहा कि आसमान में मुझे सितारे दिख रहे हैं। तो हजूर ने कहा कि अब के लिए ये तुम्हारे लिए काफ़ी है। और वो बड़े खुशी से भागते भागते अपने पिताजी के पास पहुँचे और कहा, जैसे बच्चे कहते हैं कि मुझे तो हजूर ने सितारों तक का नाम दिया, आपको बाबूजी उन्होंने कितना नाम दिया। तो छोटी सी उम्र से उनका ध्यान, उनकी लगन रूहानियत के रास्ते के ऊपर थी। और जब हम उनकी ज़िंदगी को देखते हैं तो उनकी ज़िंदगी ऐसे थी जैसी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने बना दी। जब उन्होंने हाई स्कूल पास किया, उस समय हाई स्कूल 10th क्लास हुआ करती थी, तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए थे क्योंकि पढ़ाई में वो बहुत अच्छे थे। तो चाहते थे कि मैं साइंस लूँ, कि मैं डॉक्टर बनूँ या इंजीनियर बनूँ, यही वो चाहते थे क्योंकि साइंस का बहुत बोलबाला था उन दिनों में। और इनके नंबर बहुत अच्छे थे, ये किसी भी मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिल हो सकते थे। तो संत कृपाल सिंह जी महाराज इनको हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के पास ले गए, उनके नंबर दिखाए और हजूर से पूछा कि आगे हजूर की क्या सलाह, वो क्या करें। तो हजूर के मुंह से निकला कि फारसी बड़ी अच्छी लैंग्वेज है। तो जब हजूर के मुंह से निकला तो संत दर्शन सिंह जी महाराज, जो साइंस लेना चाहते थे, उन्होंने पहले सोचा कि मैं कुछ बोलूं, बट संत कृपाल सिंह जी महाराज ने ऐसे मुंह पे उंगली करके कहा कि आप चुप ही बैठे रहो। तो फिर हजूर ने कहा कि ये बड़ी पोएट्री लैंग्वेज है, इसका पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और उन्हें फिर आर्ट्स की ओर, पर्शियन लैंग्वेज की ओर, उस और उनका ध्यान करा दिया। तो आज हम देखते हैं कि उनके उर्दू जानना, जो कि उस वक़्त यहाँ बहुत पॉपुलर थी जहाँ वो रहते थे, लाहौर में रहते थे, फारसी का पढ़ना, और फिर उनकी ज़िंदगी में ऐसे पोइट्स आए उनके कॉलेज में जो बड़े मशहूर थे, और छोटी सी उम्र से ही उन्होंने फिर शायरी लिखनी शुरू कर दी। तो आज वो जो गज़लें नज़में उन्होंने कही हुई हैं वो हम सब के लिए एक धर्म ग्रंथ बन गया। कि जैसे जैसे उनके अपने रूहानी अनुभव थे वो उन्होंने उन वर्सेस के ज़रिए दर्शाए। एक वाक्य है जो समझाता है कि कैसे हम सब बनते हैं। एक कपड़े की दुकान थी, और आजकल हमारे कई भाई बहन आए थे जिनकी कपड़ों की दुकानें हैं, तो कपड़ों की दुकानों पर वो गोल 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 वो कपड़े पड़े होते हैं जो कि खींच के काट के बेच दिए जाते हैं।
तो वहां पर जो अलग अलग कपड़े पड़े हुए थे उनमें से हर एक कपड़ा सोचता है कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं जल्दी बिक जाऊंगा, यहाँ से मैं जल्दी चला जाऊंगा। तो जब आपस में वो बातचीत करते हैं कपड़े कपड़े कपड़े, वो कहते हैं देख मैं वूल का बना हुआ हूँ, अब बड़ी ठंड हो रही है, जो अगला आएगा ना खरीदने वाला वो मेरे को ही ले जाएगा उठा के। दूसरा कहता नहीं 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 तू क्या बात कर रहा है, मैं तो कॉटन का बनाऊँ। आजकल तो कॉटन का बहुत बोलबाला है, हर एक आदमी कहता है कॉटन की चीज़ें पहन ले वो मेरे को ले जाएगा। तीसरा कोई और होता है वो कहता नहीं नहीं देखो तुम तो एम ही हो, मैं देखो कितना खूबसूरत हूँ, वो जो आएगा नेक्स्ट खरीदार मुझे ही लेके जाएगा। तो अपन उनकी टसल चल गई हम में से अच्छा कौन है। तो एक खरीदार आया तो सबसे पहले उसने देखा, उसने वूल का कपड़ा उठाया, तो वूल का कपड़ा बड़ा खुश कहता देखा मेरे को सबसे पहले उठा उसने। उनने खुलवाया देखा उसको अच्छा लगा, फिर उसने कहा नहीं नहीं इसको साइड पे रख दो कि इसकी जो वीव्स हैं वो सारी प्रॉपर नहीं है, ये देखो यहाँ पे बड़ी वीव आ गई यहाँ पे छोटी वीव आ गई, इसको साइड पे रखवा दिया। उसने उतनी देर में कॉटन का कपड़ा उठाया, कॉटन वाला कहे मैंने पहले ही कहा था ये वूल का तो एम ही है, पता नहीं पहले कैसे उठा लिया उसने। उन्हें कॉटन का कपड़ा उठाया, उनने देखा खुलवाया उसको अच्छा लगा, उसको लगा ठीक है, देख रहा था तो वो उसमें थोड़ी गंदगी लगी हुई थी। मैंने कहा यो ये जब वीव कर रहे थे इन्होंने जहाँ पे वीव करी ना सफाई से नहीं रखा, इस करके ये गंदा हो गया, चलो इसको भी साइड पे रख दो। वहाँ का बड़ा एक कपड़ा था जिसमें बड़ी गोल्डन एम्ब्रॉयडरी हुई थी, उसने वो निकलवाया तो कहता मुझे तो पहले ही मालूम था मुझे ही खरीदेगा क्योंकि सबसे मैं चमक रहा हूँ यहाँ पर ज़्यादा, देखो मेरी कितनी खूबसूरत गोल्डन 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 रंग मेरे से निकलता है। तो उसने उसको खोला देखा उसको अच्छा लगा, उसने कहा हाँ ये वाला मुझे दे दो, बड़ा खुश सबको कह देखा मैंने तुमको कहा था मैं सबसे अच्छा हूँ। बड़ी ईगो में जा रहा था तो सब सोने लगे ये तो बड़ा काम खराब है। उतनी देर में जो खरीद रहा था उसने कहा मैंने खरीदा इसलिए है कि जो इसको बनाने वाला है वो एक्सपर्ट है, क्योंकि देखो इसकी सारी वीज प्रॉपर आई हैं, इसमें ये जो काम हुआ है ये देखो कितनी अच्छाई से किया, तो जो इसको बनाने वाला है क्योंकि वो अच्छा था इस करके मैं इसको खरीद रहा हूँ। तो सबने उसको कहना शुरू करे तू तो एम ही है तेरे बनाने वाला ही अच्छा था, तो हम लोग भी एम ही हैं, हमको बनाने वाले कौन है, संत दर्शन सिंह जी महाराज, संत कृपाल सिंह जी महाराज, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, इसीलिए हम अच्छे हो गए थोड़े से। अगर कोई और बना देता तो हमारी भी वीव कभी ऐसी होती कभी वैसी होती, कभी यहाँ पे गंदगी लगती थी वहाँ पे गंदगी लगती, लेकिन इन महापुरुषों ने जो हमें देन दी है जो जानकारी दी कि हम सब एक ही हैं, जो शिक्षा दी कि लव ऑल सबसे हम प्रेम करें, जो उन्होंने अपने एग्जाम्पल्स के जरिए दर्शाया कि हमारी जिंदगी कैसी होनी चाहिए, तो हम देखते हैं कि संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज ने अपनी दया मेहर से बदल दी ताकि उनका ध्यान उस ओर जाए जिससे लाखों करोड़ों को फायदा हो। जो कुछ वो लिख गए हैं जो कुछ वो कह गए हैं वो आज 50 से ज़्यादा भाषाओं में ट्रांसलेटेड है, वो लोग जिन्हें भाषा भी नहीं आती वो भी जो वो कह गए उन्हें समझ सकते हैं जान सकते हैं। आज दुनिया के कोने कोने 55 कंट्रीज में मिशन के सेंटर्स हैं और जहाँ पर कि उनकी तालीम के लिहाज से लोग अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो चाहते थे कि हम सब एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करें, तो ऐसे देशों में जहाँ कि हर मील में लोग मीट खाते हैं वहाँ भी बहुत से जीवों का इन महापुरुषों की टीचिंग से उधार हो गया कि वो भी अब एक वेजिटेरियन वे ऑफ लाइफ एक शाकाहारी जीवन व्यतीत करते हैं। ऐसे देश जहाँ पे सब्जियाँ मिलती नहीं थी दिखती नहीं थी वहाँ भी आज वेजिटेरियनिज्म का बोलबाला हो रहा है क्योंकि इन महापुरुषों की टीचिंग्स दुनिया के कोने कोने में घर कर रही हैं। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने 4 दौरे बाहर के लगाए और उनके दौरों के जरिए जो असर
वहाँ के जीवों पर हुआ, उससे आज दुनिया के कोने कोने में संतमत के रास्ते पर चलने वाले बहुत से लोग हैं। और जो शिक्षा दे गए हैं कि हम सब मिलजुल के बैठे, हम सब जाने कि हम सब एक ही हैं, चाहे हम एक धर्म के हों चाहे दूसरे धर्म के हों, तो फरमाते हैं एक जगह के हरम के फूल कलीसा के फूल दायर के फूल, कि हरम के फूल कलीसा के फूल दायर के फूल जो मिल गए हैं तो आई है इस चमन में बहार। तो कहते हैं कि जो मंदिर में जाने वाले लोग हैं, जो मस्जिद में जाने वाले लोग हैं, जो गिरजे में जाने वाले लोग हैं, जब वो मिलजुल के बैठते हैं तभी उस महफिल में बहार आती है। अगर हम समझें कि ये तो अलग धर्म वाला है, हम समझें ये तो अलग जात वाला है, तो हम कभी उनसे मिलेंगे नहीं। पर हम जाने कि हम सब एक ही हैं, क्यों? हर एक धर्म यही चाहता है कि हमारा मिलाप परमात्मा से हो। हम जाने कि हम सब एक हैं, लव ऑल, हर एक से हम प्रेम करें, यही मैसेज बार 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 संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझाते थे। जब हम उनके अंग संग होते थे सत्संगों के जरिए, या जब मौके मिले उनके साथ छोटे ग्रुप में होने का, तो हर समय वो प्यार की और पीस की, शांति की बात करते थे। एक जगह उन्होंने फरमाया कि अम की बात चले, प्यार का पैगाम चले। क्योंकि बातचीत करनी है तो आदमी शांति की करे। ज्यादा लोग क्या करते हैं, इसकी टांग खींच लो, उसकी टांग खींच लो, ये खराबी कर रहा है, वो खराबी कर रहा है, वही बातें करते रहते हैं। तो उन्होंने रूल बनाया था कि अगर बातचीत करनी है तो प्रेम मोहब्बत की, शांति की करो, कि अम की बात चले, कि शांति की बात चले, प्यार का पैगाम चले। कि किसी से मुलाकात करनी तो प्यार से भरपूर होनी चाहिए, ये नहीं लड़ाई झगड़े की हो मुलाकात। कि अम की बात चले, प्यार का पैगाम चले, बात जब चल ही पड़ी सुबह चले शाम चले। तो ये हर सुबह हर शाम हर पल हर क्षण हमारा ध्यान इस ओर होना चाहिए। क्योंकि जब तक शरीर शांत नहीं होगा मन शांत नहीं हो सकता, जब तक मन शांत नहीं होगा तब तक जो हमारी आत्मा है वो अंदर की दुनिया में उड़ान नहीं कर पाएगी। तो शांति हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो होगी तब जब हम प्रभु के प्रेम का अनुभव करेंगे। अब दुनिया में प्रभु को कहाँ पे देखें, तो जब एक दूसरे के अंदर प्रभु के रूप के दर्शन करते हैं तो फिर शांति शांति हर सफर रहती है। कि बात जब चल ही पड़ी सुबह चले शाम चले, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घड़ा। हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज तो कहेंगे छा गई वक्त के मैखाने पे, कि हम लोग जो इस टाइम्स में जी रहे हैं, क्योंकि ये जो दुनिया है ये टाइम पर चलती है। आधा घंटा हो गया, एक घंटा हो गया, 24 घंटे हो गए, एक दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, हफ्ता हो गया, एक दो हफ्ते हो गए, महीना हो गया, महीने हो गए, साल हो गए, तो टाइम पे चलता सब कुछ। कि छा गई वक्त के मैखाने पे, जो ये जो वक्त का मैखाना है उस पर छा कौन गया, छा गई वक्त के मैखाने पे सावन की घड़ा। कि हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की दया मेरे सबके ऊपर होगी, टाइम्स के ऊपर। कि साखिया जाम चले जाम चले जाम चले, कि उनकी दया मेरे हर समय इतनी हो कि उनसे जो प्रेम का जो अध्यात्म का जाम है वो हर समय चलता रहे चलता रहे चलता रहे, हम उनके प्यार की मस्ती में हर समय मस्त रहें। यही उनकी अपनी जिंदगी थी, यही वो हम सबके लिए चाहते थे कि हर समय शांति हो, हर समय प्रेम हो, अपने सद्गुरु की ओर हमें ध्यान हो, जो उनकी देन है उनके छत्र छाए में हम जिए, हमारा ध्यान दुनिया से हटकर प्रभु की ओर लगे, और वो जो एटमॉस्फेयर है प्रेम का और शांति का वो हल पर हर क्षण हमारे सामने। कि हम जो अंदर की दुनिया का अनुभव है, अब वो लोग जिनको नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हुए हैं वो बताते हैं कि हम एकदम से जब शरीर से अलग हुए तो गुफा में से निकले और वहाँ ऐसी जगह पर जहाँ बड़ी रोशनी थी, वहाँ रोशनी का फरिश्ता मिला,
उसका जब हमें अनुभव हुआ तो ऐसा अनुभव हमें कभी भी नहीं हुआ था। इतना प्रेम, इतना प्रेम, इतना प्रेम हमने पाया कि हम वापस नहीं आना चाहते इस शरीर में। तो वही हम सब की हालत है, सच्चा शिष्य अपने गुरु से वही प्रेम पाता है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने वही प्रेम और उससे कहीं ज्यादा प्रेम हमें दिया, क्योंकि ये एक्सपीरियंस तो सिर्फ पिंड और अन्न के थ्रेशोल्ड पर ही था। उनके प्रेम के जरिए तो हम पिंड से अन्न में, अन्न से ब्रह्मांड में उसको पार करते थे, पार ब्रह्म में और सचखंड तक पहुंच जाते थे। तो उनका प्रेम हर समय हमारे अंग संग था। और वही वो समझा गए हैं कि लव हैज ओनली अ बिगनिंग, इट हैज नो एंड, कि इश्क की कोई नहीं है इंतहा, इश्क का आगाज ही आगाज है। कि जो प्रेम है वो शुरू होता है फिर बढ़ता चला जाता है, बढ़ता चला जाता, बढ़ता, वो कभी कम नहीं होता। वो कोई कमोडिटी नहीं है, जैसे आपके घर में चीनी का एक जार बड़ा हुआ है, आपका नेबर आया उसने उसको एक कटोरी आपने दे दी चीनी, तो आपकी एक कटोरी चीनी कम हो जाएगी। लेकिन प्रेम ऐसा है कि जब आप किसी को देते हो तो आपके अंदर और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और वो कभी भी कम होता नहीं। ये हमारी कमजोरी, हम सोचते हैं कि शायद प्रेम कम हो गया हो, लेकिन प्रेम कभी कम होता नहीं, वो बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है, और बढ़ता चला जाता है। यही हम सब ने संत दर्शन सिंह जी महाराज की जिंदगी में देखा। वो हमसे बहुत प्रेम करते थे, वो चाहते थे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे, वो चाहते थे जो जिंदगी का मकसद है, जो अपने आप को जानना है, पिता परमेश्वर को पाना है, वो हम सब के लिए पूरा हो। और उनके सत्संग, उनकी इंटरैक्शंस, उनकी जो किताबें लिखी उन्होंने, वो सब हमें उसी ओर खींचने के लिए की गई थी। हम लोग अगर उनकी टीचिंग्स को सही तरीके से अपनी जिंदगी में डालेंगे तो हम जानेंगे कि वो हमसे दूर नहीं। जब हम अभ्यास करेंगे, अंदर की दुनिया में जाएंगे, तो उनके नूरी स्वरूप को वहां पाएंगे, और वो हमें अंदर की दुनिया में और लेके जाएगा। हम जाने कि उनकी दया मेहर से ही हमारा ध्यान दुनिया से हटकर प्रभु की ओर चला गया। तो एक मास्टर वीवर के माफक हैं, जो कपड़े बनाने वाला उसको वीवर कहा जाता है, कि जिन्होंने हमारी जिंदगी को सही कर दिया। हम जाने कि जैसे वो कह गए हैं कि नफज नफज मुझे लाजम है शुक्र का सजदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी। कहते हर सांस में मैं अपना दोस्त, अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज को कह रहे हैं कि हर सांस में मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि नफस नफस मुझे लाजिम है शुक्र का सदा, कि मेरे दोस्त का एहसान है जिंदगी मेरी। कि जो जिंदगी मिली है वो भी उन्हीं का एहसान है। पिता परमेश्वर खुश हुए तो 84 लाख जिया जून में, जहां हमारी आत्मा भड़क रही थी, हमें मानव चोला मिल गया। पिता परमेश्वर खुश हुए तो मानव चोला मिलने के बाद इस जिंदगी में हमारे कदम किसी पूर्ण महापुरुष की ओर बढ़े। फिर वो महापुरुष खुश हुए हम पर, उन्होंने नाम की देन दी। तो ये उनकी दया है कि हम जो भी आज हैं वो हैं। वो चाहते थे कि हम अपने कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ाएं, वो चाहते थे कि हम 84 लाख जिया जन से छुटकारा पाएं। वो तब होगा जब जिंदगी में हम सद्गुणों को ढालेंगे और हम बाकायदगी से भजन अभ्यास करेंगे, ताकि इस शरीर से हम ऊपर उठ पाए। अंदर की दुनिया असली दुनिया है, जब तक वहां गए नहीं असलियत को हम पा नहीं सकेंगे। इसीलिए बार 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 वो समझाते थे कि हम रोजाना बाकायदगी से अभ्यास करें। मेरे पिता परमेश्वर के चरण कमलों में, जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज, इनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सब के लिए बेहतर हो हमारी जिंदगी में ढले, हमारा ध्यान इन महापुरुषों की ओर हो, ताकि हम अपनी मंजिल की ओर तेजी से बढ़ते चले।
तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स आँखों के डेने सीधे सामने फोकस हों, जैसे आठ दस सामने आप फोकस हों, आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा। और जो भाई बहन या नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन करना, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी प्रभु के चरण कमलों में, और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुषों हैं, हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योत के हमें दर्शन करवाएं। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज लीव ऑफ।